खबर थी। बड़ी खबर आपको बता दें, अभिनेत्री प्रत्युषा बैनर्जी ने खुदकुशी कर ली है। आनंदी का किरदार निभाया था प्रत्युषा बैनर्जी ने। आपको बता दें कि बालिका वधु जो कि एक बेहद लोकप्रिय सीरियल हुआ करता था, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये प्रत्युषा बैनर्जी की ही है। यानी कि बालिका वधु में जब वधु बड़ी हो जाती है, वो जो किरदार निभाया था वो इस अभिनेत्री ने निभाया था। उनकी खुदकुशी की खबर हमारे सामने आ रही है। अभी जो डिटेल्स हैं उनका इंतजार हमें है कि क्या हुआ है, क्या वजह थी। अमित त्यागी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे मुंबई से। अमित, विस्तार से बताएं क्या क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है। जी श्वेता, अभी हमें जो जानकारी मिली है, पुष्टि हो गई है कि आज दोपहर को प्रत्युषा बैनर्जी ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनकी बॉडी इस वक्त मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में है। टीवी के सारे कलाकार वहां पर पहुंच गए, उनके दोस्त, उनके सहकर्मी जिनके साथ उन्होंने काम किया है। अभी अभी हमारी अभिनेत्री तारा खान से बात हुई, उन्होंने रोते रोते इस बारे में पुष्टि की। सब तरफ से पुष्टियां आ रही हैं, मामला सुसाइड का है और जुड़ा हुआ है प्रत्युषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह के साथ। खबर है कि किसी अनबन के चलते किसी बात से बॉयफ्रेंड से उनका झगड़ा और इस बात को लेकर उन्होंने खुदकुशी की है। आज चूंकि अप्रैल फर्स्ट है तो काफी देरों से ये खबर कुछ घंटा पहले बाहर आई, तो सब लोग ये समझ रहे कोई अप्रैल फूल जोक है, क्योंकि एक वेबसाइट में सबसे पहले खबर डाली तो सबको यही लग रहा था कि ये कोई अप्रैल फूल का जोक है। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे जब ये फूल पकड़ा तो सच सामने आया कि वाकई में ऐसा हुआ है। तो इस वक्त सब लोग वहां पर पहुंच चुके हैं, सब कलाकार वहां पहुंच रहे हैं। बालिका वधु से जुड़े हुए, ससुराल सिमरका से जुड़े हुए जिनके साथ प्रत्युषा ने काम किया था, उनके बॉयफ्रेंड से हम काफी देर से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका फोन अनअवेलेबल है। तो अभी रीजन तो अभी पता चलेगा। इस वक्त सब लोग कोकिलाबेन अस्पताल में जमा हो रहे हैं कि आखिर क्या है। लेकिन यानी अस्पताल में उन्हें रिवाइव करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि दोपहर का वाक्य आप बता रहे हैं और अब पुष्टि हुई है जाकर। जी हाँ, डॉक्टर ने पूरी कोशिश की लेकिन अभी ये बताया कि उनको नहीं बचा सके। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लगता है, एक युवा अभिनेत्री, जिन सीरियलों का नाम हम ले रहे हैं अमित, वो सारे सफल सीरियल्स हैं, ये एक जाना पहचाना नाम, और उसके बाद ऐसा कदम बिल्कुल हैरान करने वाला है, सदमे में डालने वाला है। जी हाँ, विवेका बाबा जी और सबिता जोसफ, ये दो नाम मुझे याद आते हैं कि पिछले 10 सालों में ये चौथी पांचवी घटना ही ऐसी घटना हुई है कि ग्लैमर से जुड़ी हुई ऐसी अभिनेत्री जो बहुत यंग एज में इस तरह सुसाइड करती है। कहीं ना कहीं ये काला सच बयान करता है। यहाँ पे रिश्ते इतने खोखले होते हैं, पर्दे के किरदार के पीछे की जो सच होते हैं शायद भयानक होता है, रिश्तों की जो अहमियत शायद नहीं समझते, वक्त से पहले प्रसिद्धि मिल जाती है। बहुत सारे इसको अगर हम एनालाइज करें तो बहुत सारे रीजन होते हैं। अब सच तो अभी जाने, लेकिन प्रत्युषा की ये काफी दुखद घटना है। काफी दिनों से वैसे प्रत्युषा के बारे में बताना चाहूंगा कि हमेशा विवाद में रही। ये एक जमशेदपुर की रहने वाली थी और जब छोटी आनंदी बड़ी आनंदी बन रही थी तो कई लड़कियों को ऑडिशन के बीच इन्हें चुना गया। बहुत इन्होंने प्रसिद्धि देखी आनंदी बनकर, उसके बाद अचानक इन्हें निकाल दिया गया इस शो से अनप्रोफेशनल एटीट्यूड की वजह से। फिर ये बिग बॉस में दोबारा आई, बिग बॉस में भी इन्होंने अपना अलग व्यक्तित्व का पहलू दिखाया। उसके बाद इन्होंने ससुराल सिमरका में एक डायन का किरदार निभाया हाल ही में, करीब 6 महीने पहले, और उसके बाद ये अपने बॉयफ्रेंड को लेकर काफी चर्चा में रही। तो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमेशा न्यूज में रही थी प्रत्युषा बैनर्जी। मेरा पर्सनली प्रत्युषा को मैं सबसे जानता हूँ जब वो नई नई आई थी और हमारे शो सागो बेटिया में ही उनका पहला, हमने हमारे चैनल आज तक सागो बेटिया में उनकी पहली झलक दिखाई थी जब वो आनंद बनकर आई थी। तो एक लंबा जुड़ाव रहा है हमारा भी, एक एज अ रिपोर्टर और एज अ कलाकार के रूप में। तो मेरे को याद आता है वो लड़की 18 साल की लड़की जो जमशेदपुर से आई थी, यहाँ कुछ करने आई थी, लेकिन शायद सपने उनके और यहाँ ये माया नगरी मुंबई की माया में फंसे रह गई। जी जी अमित, हम आप बने रहिए हमारे साथ, हम बातचीत करते रहेंगे। इस वक्त अभिनेत्री सारा खान
हमारे साथ जुड़ी थी लेकिन फोन कट गया है, हम फिर उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये खबर ही ऐसी है कि सुनकर यकीन नहीं होता है, और जिस तरीके से अमित हमें बता भी रहे हैं, चूंकि 1 अप्रैल का दिन है और हाल फिलहाल सोशल मीडिया में इस तरह की खबरें बहुत जोर पकड़ती हैं अचानक, और उसके बाद पता चलता है कि केवल एक अफवाह थी। इसी वजह से ये वाकया दोपहर का था, उसके बाद अस्पताल उन्हें ले जाया गया, लेकिन किसी को यकीन नहीं हो पा रहा था कि वाकई एक युवा अभिनेत्री, एक सफल अभिनेत्री इस तरह का कोई कदम उठा सकती हैं। प्रत्युषा बैनर्जी किसी परिचय की मोहताज नहीं, खासकर उन लोगों के लिए जो छोटे पर्दे पर सीरियल्स के शौकीन हैं। बालिका वधु में बड़ी आनंदी का किरदार उन्होंने निभाया था, एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हुआ था जिसमें उस किरदार के लिए उन्हें चुना गया था। जमशेदपुर की रहने वाली प्रत्युषा बैनर्जी उस सीरियल से सुर्खियों में आई थी, और उसके बाद एक के बाद एक कामयाबियों की बुलंदियां वो चढ़ती गईं, और आज अचानक देखिए ये एक ऐसी खबर हम सबके सामने है जिसकी वजह समझना ही मुश्किल है। अमित त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जो सीरियलों की दुनिया है उसकी हर पेशकश आपके सामने लेकर आते हैं, इन सभी अभिनेत्रियों से उनका एक तरह से पर्सनल उनका रिलेशंस रहता है, और बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि आखिर ये चीज़ें क्या हैं, क्या हो रहा है, और वही ये खबर हमारे सामने लेकर आए हैं। अमित, प्रत्युषा का किरदार स्क्रीन पर हम सब देखते थे, लेकिन क्या वो आपको निजी तौर पर ऐसी नजर आती थी, ये प्रेशर्स उनके दिख रहे थे इस सफलता के बीच में? जी, 6 साल पहले जब पहली बार मेरी प्रत्युषा से मुलाकात हुई थी, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वो जमशेदपुर से मुंबई आई थी, काफी उन्होंने कुछ स्ट्रगल कर रही थी उसी दौरान, जब छोटी आनंदी यानी अविका गौर बड़ी आनंदी मतलब लीप ले रहा था शो, तो 3 लड़कियां कलर्स चैनल ने फाइनलाइज की थी, उनमें से एक प्रत्युषा बैनर्जी थी। तो हमने अपने शो साजबो बेटिया में कॉन्टेस्ट रचा था कि आप अपनी आनंदी चुनिए, और हमारा ही चैनल था जिसने और हमारे चैनल पे कॉन्टेस्ट हुआ, सबसे ज्यादा वोट्स प्रत्युषा को मिले। हमने काफी कुछ प्रत्युषा को और जो बाकी दो लड़कियां थी लोग घर घर तक लेके गए, और फिर अपनी चुनिए अपनी आनंदी कॉन्टेस्ट में ये विजेता थी हमारे चैनल पर, और उसके बाद कलर्स चैनल ने हमारे वोट लेकर प्रत्युषा को चुना था। तो ये ऐसा हुआ था। तो प्रत्युषा के साथ एक लंबा टाइम मैंने पर्सनली और मेरी टीम साजबो बेटिया की टीम ने बिताया था। वो एक आम नॉर्मल लड़की थी, कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मतलब होगा, लेकिन धीरे 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 जब वो अभिनेत्री बनी, मतलब जब वो फाइनली सिलेक्ट हो गई, तो उनका काफी व्यवहार बदलता चला गया। तो यही बात है माया नगरी की जो मैं आपको बता रहा था कि सक्सेस मिल जाती है लेकिन लोग सक्सेस को हैंडल करना नहीं जानते, और यहाँ प्रत्युषा के साथ में यही कहूंगा कि ऐसा ही हुआ। वो आनंदी बनी, उन्हें बहुत सफलता मिली, लेकिन धीरे धीरे उनके तेवर बदलते गए। वही लड़की जो नई नई आके हमारे चैनल में हमारे साथ हमारी कार में जाती थी, अचानक उनके तेवर बदल गए, और धीरे धीरे जब आगे उन्होंने अपना ये तेवर प्रोडक्शन हाउस अपने बालिका वधू के निर्माता को भी दिखाना शुरू किया, और करीब 1.5 साल बाद उनको रिप्लेस कर दिया गया। जी हाँ, अचानक प्रत्युषा को शो से निकाल दिया गया और नई आनंदी लेकर आए, तो ऐसा उनका अनप्रोफेशनल एटीट्यूड के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया। उसके बाद उन्होंने बिग बॉस किया, वहां सबने देखा कि वो किस तरह का उनका एटीट्यूड था। थोड़ी सी वो जैसे मैंने कहा कि वो हैंडल नहीं कर पाई अपनी सफलता, और उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। उनके पहले बॉयफ्रेंड मकरंद मल्होत्रा के साथ उनका उनके उनके झगड़े होते रहते थे, हुआ फिर उनका ब्रेकअप हुआ, पर हाल ही में जब उन्होंने ससुराल सिमर का में डायन का किरदार निभाया था, उनकी जिंदगी में आए राहुल राज सिंह, और अब पूरी जितनी भी सुना है और जितनी भी अफवाहें अभी उनकी सुसाइड को लेकर उठ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं नाता राहुल राज सिंह के साथ जुड़ा हुआ है। राहुल राज सिंह जी टीवी की दुनिया में उन्होंने काफी सीरियल्स भी किए हैं, और जब से प्रत्युषा के साथ उनका पर्सनल लाइफ जुड़ी थी, अभी हाल ही में उनका पुलिस स्टेशन में भी आम मामला पहुंचा था, कुछ रिकवरी एजेंट उनके घर पे पहुंच गए थे, काफी दिन अभी सुर्खियों में रही, तो कहीं ना कहीं इस पूरी सुसाइड के पीछे राहुल राज सिंह की का हाथ माना जा रहा है कि ये लव अफेयर वेंट रॉन्ग वाला किस्सा यहाँ पर भी हो रहा है। लेकिन शादी की बात थी दोनों की, शादी होने वाली थी अमित बॉयफ्रेंड से उनकी। जी हाँ, शादी की भी बात थी लेकिन इनका काइंड ऑफ लिविंग रिलेशनशिप था। हाल ही में उन्होंने एक रियलिटी शो किया था पावर कपल, इस शो में उन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में काफी बात की सोनी पर। अभी अभी 4 हफ्ते पहले ये शो खत्म हुआ है,
तो इन्होंने इस अपने रिलेशनशिप के बारे में शो में काफी बातें की थी। प्रत्युषा थोड़ी सी गुस्से वाली और वोलेटाइल नेचर की थी, जो मैं पर्सनली भी बताना चाहूंगा, वो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, बहुत जल्दी वो जैसी होती हैं लड़कियां, लेकिन वोलेटाइल नेचर उनका था जो मैंने देखा है उनके सेट पर भी, और उनके सह कलाकार भी उनके बारे में बता रहे थे। अभी मेरी सिद्धार्थ शुक्ला जो उनके साथ शिव का किरदार निभाते थे बालिका वधू में, उनसे भी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि विश्वास नहीं हो रहा है कि लड़की ऐसा कर सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ उसकी जिंदगी में हमेशा चलता रहता था। कभी वो मीडिया वालों के साथ नाराज हो जाती थी, कभी बहुत अच्छे से स्टोरीज किया करती थी। अब मैं अपने एक्सपीरियंस एज अ जर्नलिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सेट पर उनका व्यवहार कभी बहुत अच्छा होता था, कभी बहुत खराब, तो वोलेटाइल नेचर कहीं ना कहीं उनकी प्रवृत्ति में था, लेकिन वो इस तरह का रूप ले लेगा और पर्सनल लाइफ में उनकी प्रॉब्लम इस तरह का ये लेंगी सब रूप, ये शायद किसी ने सोचा नहीं था, और शायद किसी पर्सनल रीजन की वजह से उन्होंने खुदकुशी की होगी, लेकिन वो जुड़ा कहीं ना कहीं उनकी इस पर्सनल लाइफ से ही है। जहां तक काम की बात करें तो हाल ही में ससुराल सिमरका में जब उनकी एंट्री हुई थी, शो को बहुत अच्छी टीआरपी मिली थी, उनका केमियो था ये ससुराल सिमरका में, लेकिन उनका काम बहुत अच्छा था। उसके बाद उन्होंने अभी रियलिटी शो पावर कपल किया था, और अभी कोई हाल ही में अभी कोई वो सीरियल में तो काम नहीं कर रही थी, लेकिन अपनी इन रियल लाइफ किस्सों के लिए वो हमेशा न्यूज। अमित त्यागी हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। दरअसल आज दोपहर प्रत्युषा बैनर्जी ने अपने घर में फांसी लगाई, उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और कोकिलाबेन अस्पताल से उनकी मौत की पुष्टि कर दी गई है। अभिनेत्री प्रत्युषा बैनर्जी, जिन्हें बालिका वधू के तौर पर लोगों ने पहली बार पहचाना, सराहा, लोकप्रिय हुई वो, और अभी एक ऐसी खबर जिससे हर एक सकते में है, सदमे में है, कि टीवी की जो दुनिया है उसमें एक नया नाम लेकिन एक बेहद जाना पहचाना नाम। कहा कि उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा हुआ है, बागियों ने धोखा किया है और इसके पीछे साजिश है, बीजेपी और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम उन्होंने लिखा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार।